सारे पहाड़ों से पानी गिर रहा है, सारे पहाड़ों से। गुप्तकाशी के बाद से कंटिन्यूसली। अब हम नहाने वाले हैं बारिश में। विंडशील्ड बंद करना भूल गया। पानी अंदर आया, विंडशील्ड कह रहा हूँ पौड़ी से श्रीनगर और त्रिवेणी नारायण जाने वाले हैं। आज डे टू है, कल हम लेंसडाउन तक आए थे 200 समथिंग, और आज भी हमें 220 के अप्रोक्स त्रिवेणी नारायण तक जाना है। त्रिजुगी नारायण, जहाँ शिव और पार्वती माँ का विवाह हुआ था। कल हम लोग यहाँ रुके थे इस विंडो से, ये नेट लगा हुआ है वैसे, क्योंकि यहाँ थोड़े थे बंदर, वॉशरूम्स। ये यहाँ के ओनर हैं, मतलब आप लोग बोलिए हम कहाँ से। नहीं, आप भी ओनर हैं। होमस्टे के काफी अच्छा होमस्टे है, और खाने वाने की सारी व्यवस्था है। फोन नंबर हम लोग देंगे उसमें वीडियो में जी, तो आप पहले से फोन कर सकते हैं, तो अपने रूम पहले बुक करा लें। खाने वाने की सारी व्यवस्था है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे। और विंडो वाला तो अच्छा था, पर फॉग हो गया था, कुछ दिखा नहीं, सुबह भी फॉग था। तो चलिए आके मिलते हैं। नमस्कार। वैसे ये लेंस डाउन से 5 किलोमीटर पौड़ी वाली रोड पे ना। हाँ जी, पौड़ी के लिए जब निकलेंगे तब आएंगे। नीट एंड क्लीन एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो गुड टू स्टे हियर। आज हमारा सेकंड डे है केदारनाथ, तुंगनाथ और उत्तराखंड यात्रा का, और अभी हम लेंसडाउन से निकल चुके हैं। रात को लेंसडाउन से निकल के 5 किलोमीटर नीचे आने के बाद लगभग 1525 मीटर की हाइट पर रुके थे, और टेंट नहीं लगा पाए बिकॉज हमने टेंट खोल भी लिया था, पर वो सब लोगों ने कहा कि यहाँ पे रात को बाघ आ जाता है। बाघ नहीं, लेपर्ड, तेंदुआ, वो लोग तो बाघ ही कह रहे हैं, हो सकता है बाघ भी होंगे। हाँ, मे बी। तो अगर आपको यहाँ लेंसडाउन आना है तो सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे पौड़ी की तरफ को आएंगे, तो होटल सस्ते भी हैं, 500, 600, 700, 1000 से नीचे आपको आराम से मिल जाएंगे, और व्यूज भी अच्छे हैं। व्यूज तो खैर लेंसडाउन से भी अच्छे थे, बड़ा वहाँ थोड़ा सा शांति है और अच्छा है, क्योंकि लेंसडाउन थोड़ा सा महंगा भी है एक्चुअली, खाने के हिसाब से भी वहाँ फूड थोड़ा सा महंगा है। यहाँ सस्ता था, पराठा 40 रुपये, मतलब आपको एक आदमी का 150 रुपये में आराम से खाना हो जाएगा इजीली। हम जिस होम स्टे में रुके थे अच्छा था बहुत। हाँ, रॉयल्स होम स्टे था, अभी फर्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आज ये सेकेंड डे है, तो ये सेकेंड वीडियो में जाने वाला है सब कुछ। रात शाम को भी फॉग एकदम हमारे सामने, पूरा घाटी से उठता हुआ हमारे ऊपर तक आया। रात को 9 बजे पे क्लियर हो गया था सब, पर सुबह सुबह फिर फॉग, जब हमने बाहर देखा फॉग था, वाओ मजा आ गया। फॉरेस्ट ऑफ फॉग वीकेंड के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर। लेकिन बस इतना ही था, बस फॉग क्लियर हो गया, और डिस्टेंस भी कुछ नहीं है, 250 अराउंड है। अब हम ये मेन रोड पे आ गए।
सामने जो वैली दिख रही है वो है सतपुली। हाँ, वही सतपुली जिसके माइलस्टोन लेंसडाउन से ही आपके सामने बार बार आते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे कि ये सतपुली क्या है, ये सतपुली क्या है, ये सतपुली क्या है। एक्चुअली लेंसडाउन से और पौड़ी के बीच में सबसे लो एलिवेशन वाली जगह है सतपुली, सिर्फ 650 मीटर। लेंसडाउन 1800 मीटर और सेम पौड़ी भी 1800 मीटर के आसपास ही है। सतपुली में कन्फ्लुएंस भी है वेस्टर्न न्यार एंड ईस्टर्न न्यार, हाँ पश्चिमी न्यार और पूर्वी न्यार, और यहाँ दो आधी अधूरी पूर्व न्यार और पश्चिम न्यार मिलकर बन जाती है एक कंप्लीट संपूर्ण न्यार नदी। और यही न्यार रिवर देवप्रयाग के बाद गंगा जी में जाके मिल जाती है। और जब आप सतपुली से देवप्रयाग जाते हैं तो ये न्यार रिवर पूरे रास्ते आपके साथ साथ चलती है और अपने विहंगम दृश्यों से आपका मनोरंजन करती रहती है। तुंगनाथ से लौटते समय हम देवप्रयाग से सतपुली इसी न्यार रिवर के साथ साथ आए थे और इसका रोमांच और अनुभव अपने आप में यूनिक था। और मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि आप एक बार सतपुली और देवप्रयाग के बीच में इस न्यार रिवर के साथ साथ सफर जरूर करें। और आपको अगर इसका वीडियो देखना है तो हमारे तुंगनाथ ट्रेवल सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा। पूरी रोड ब्लैक टॉप है पर नेचर एकदम रॉ है, बट मानसून में थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अभी हम लोग पतिसेन पे हैं, पतिसेन से लगभग 1 किलोमीटर आगे पौड़ी, यहाँ से लगभग 40 अराउंड होगा अभी। और यहाँ नीचे रिवर है, छोटा सा ब्रिज है, बहुत सुंदर जगह है और ये एक प्रोबेबल कैंप साइट हो सकती है नेक्स्ट टाइम अगर वहाँ से आते में लेट हो रहे हैं या फिर जैसे भी। नीचे भी स्पेस है कैंप लगाने के लिए, काफ़ी सुंदर जगह है, रिवर साइड है, नीचे रिवर भी है। आई डोंट नो कि इसका नाम क्या है तो बहुत ही अच्छी जगह, शांत है, पहाड़ है, खाली एलिवेशन थोड़ा सा कम है क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो नीचे एलिवेशन कम है तो गर्मियों में थोड़ा गर्मी रहेगी। अभी मौसम ठीक है, अभी गर्मी नहीं लग रही है इस समय। एकदम लश ग्रीन पहाड़ है, थोड़ा लैंडस्लाइड सा एरिया है हल्का सा तो यहाँ पहाड़ नहीं है इस तरफ को। और ये सामने जो पहाड़ है जस्ट, आप अगर कैम का अपना मुँह इधर को रखेंगे तो कैमरामैन माधवी जरा इधर दिखाइए प्लीज़ तो ये जो लश ग्रीन पहाड़ है पूरा ढका हुआ बहुत सुंदर लगेगा। कीप वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए। अभी हमें यहाँ सामने ऊपर चढ़ना है, ये पूरी हिल क्रॉस करनी है, बस सामने सामने रोड है ना, इसी रोड से पूरा ऊपर जाना है एलिवेशन अच्छा खासा है। श्री राधा कृष्ण मंदिर पौड़ी यहाँ से 24 किलोमीटर है और हम इस समय श्रीनगर से बस 5 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। यहाँ से गंगा दर्शन स्थली है ये जगह का नाम, और यहाँ से गंगा जी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। नीचे पूरा श्रीनगर शहर है और सामने जो ब्रिज है ये मेन ब्रिज है, ऋषिकेश से जब आते हैं श्रीनगर की तरफ को तो ये ब्रिज उधर से क्रॉस करके इधर आते हैं। श्रीनगर शहर है सामने, अगर आप श्रीनगर आएँ और ख़ासकर पौड़ी वाले रास्ते से तो यहाँ रुकना रिकमेंडेड है। अब हम आ चुके हैं माँ धारी देवी टेम्पल पे, यहाँ से रास्ता नीचे से उतर के भी है और गाड़ी से जाने का भी है यहाँ पे, और ट्रेस कुछ नीचे भी ट्रेस दिखाई दे रही है और गंगा नदी के बीचों बीच बना हुआ ये भागीरथी नदी, गंगा ऐसे भी यहाँ नहीं बोलेंगे, देवता के बाद गंगा बोला जाता है, भागीरथी नदी के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। एक्चुअली जहाँ ऊपर डैम बन रहा था तो मंदिर को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा था, तो
2013 में जो आपदा आई थी उससे थोड़ा एक दिन पहले, शायद 16 तारीख को ही इसे स्थानांतरण किया गया था मंदिर का। तो 17 को फिर यहाँ पे आपदा आ गई थी, तो फिर लोगों ने पहले भी विरोध किया था हटाने से पहले, हटाने के बाद ही आपदा आ गई, तो फिर सब लोगों ने इसे काफ़ी सीरियसली लिया और इस मंदिर का निर्माण बीच नदी में दोबारा से किया गया। और ये चारों धामों की रक्षक देवी कही जाती हैं, और चारों धाम कम्प्लीट तभी माने जाते हैं जब देवी के दर्शन कर लिए जाए। तो अभी हम लोग यहाँ जाएँगे, पर आज हम थोड़ा त्रिजुकी नारायण जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, तो लौटते में केदारनाथ तुंगनाथ करने के बाद जब रिटर्निंग में वापस लौट रहे होंगे घर की तरफ, तो यहाँ दर्शन करेंगे देवी के, सब सस्व कुशल मंगल होने पे उनकी प्रार्थना करी जाएगी आपको। अभी के लिए इतना ही, और बाकी डिटेल जब मंदिर के दर्शन करेंगे तब बताएंगे। तो अभी चलते हैं त्रिजुकी नारायण, आइए। चार धाम ऑल वेदर रोड का काम अपने फुल स्विंग में चल रहा है, और जैसे जैसे आप रुद्रप्रयाग से आगे जाएंगे रास्ते उतने ही दुर्गम होते जाते हैं। पर यही बात मुझे पहाड़ों की सबसे अच्छी लगती है, अपोजिट ट्रैफिक को जज करके ड्राइवर्स अपनी गाड़ी खुद ही साइड में लगा लेते हैं, इवन आपको डिपर्स देने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। रुद्रप्रयाग के बाद ये मंदाकिनी नदी आपका हाथ थाम लेती है और बन जाती है आपकी हसीन हमसफर बाकी बची हुई केदारनाथ यात्रा के लिए। गुप्त काशी के बाद आसपास की सीनरी पूरी तरह से बदल जाती है और आप पहुंच जाते हैं एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी के एक नेक्स्ट लेवल पे। गुप्त काशी से त्रिगुण नारायण के रास्ते पे मैंने वो अनुभव महसूस किए जो आज से पहले कभी नहीं किए थे, क्योंकि मैं उन सभी एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है। सो इस थर्ड एपिसोड को मैं यहीं रोकूँगा और गुप्त काशी से त्रियुगी नारायण की अपनी एडवेंचर ड्राइव का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ फोर्थ एपिसोड में शेयर करूंगा। लैंडस्लाइड एरिया काफ़ी है यहाँ पे एक्चुअली, इसलिए बार बार ये रास्ते बंद होते रहते हैं बारिशों के टाइम पे। रोड खराब है इसलिए बार बार ट्रैफिक फंस जाता है, और लैंडस्लाइड जोन भी है, खड़े होने में यहाँ पर डर भी लग रहा है। गुप्त काशी से सोन पैक तक रोड काफ़ी ख़राब थी, व्यूज बहुत अच्छे थे बट